बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पेशी के दौरान कोर्ट से फरार हुए मुलजिम से अहमदगढ़ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया 25,000 का इनामी सातिर करण। आपको बता दें कि अपहरण के मामले में कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था करण। सातिर को अहमदगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में किया गया था पेश। इसी के साथ ही इनामी से तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस बरामद हुई है। 8 एवं 9:10 की रात्रि में थाना अहमदगढ़ पुलिस द्वारा शिकारपुर तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान करैनी की तरफ से आती हुई एक संदिग्ध बाइक दिखी। पुलिस पार्टी द्वारा इस संदिग्ध बाइक पर बैठे व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। यह व्यक्ति रुकाने एवं इसके द्वारा भागने की कोशिश करी गई। भागते हुए इसकी बाइक फिसल गई। अपने आप को पुलिस पार्टी द्वारा घिरा हुआ पाकर इस व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ की फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। घायल की पहचान करण उर्फ छोटू पुत्र पप्पू, यह रहने वाला है कोतवाली नगर थाना जनपद हरदोई का। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि यह वही व्यक्ति है जिसके विरुद्ध अपहरण के संबंध में थाना अहमदगढ़ पर एक मुकदमा 236/24 पंजीकृत है। जब इसको पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा था, यह पुलिस पार्टी से फरार हो गया था, जिसके संबंध में एक मुकदमा थाना कोतवाली नगर पर 867/24 भी पंजीकृत है। यह व्यक्ति 25,000 रुपये का इनामिया है। इस व्यक्ति का प्राथमिकी उपचार के बाद पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।